हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। तो हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग हम पढ़ रहे थे और सिस्टम रिकवरी पर हम आ गए थे और हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात की थी सिस्टम की रिकवरी के लिए, कि किस तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम की रिकवरी होगी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की रिकवरी होगी, किस तरीके से नेटवर्क सिस्टम की रिकवरी होगी और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की किस तरह से रिकवरी होगी। जो लास्ट टॉपिक हमारी स्टडी में दिया हुआ है वो ह्यूमन रिसोर्स इशू दिया गया है। तो कंटिंजेंसी प्लानिंग जो होता है, एक जो जब आप कंटिंजेंसी प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है कि जनरल सिस्टम या मेजर एप्लीकेशंस को आप रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जो चल रहा है ये सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, ये ह्यूमन बीइंग पर चलती हैं, अपने आप ये सारे काम नहीं होते हैं। मतलब बहुत कई चीज़ें ऑटोमेटेड हो सकती हैं, लेकिन फाइनली जब कंटिंजेंसी, डिज़ास्टर और इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस काम आती है, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डेवलप नहीं हुई है, उतनी सुपीरियर इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुई है। और डिज़ास्टर रिकवरी, डिज़ास्टर की रिकवरी जो है उसकी, वो उसकी रिकवरी की कैटेगरी ये होती है कि वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बियॉन्ड हो गया है, अब ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है। तो ह्यूमन रिसोर्स इशू आ जाते हैं यहाँ पर, और यही हमारी स्टडी का टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर डिस्ट्रप्शन हो गया, मेजर डिस्ट्रप्शन हो गया, फायर आ गई और चीज़ें हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम फिर अपने आप को नहीं चला सकता है। अगर ऑटोमेटेड वे में फायर सिस्टम्स ऑटोमेटिकली काम करें, सारी चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाए, तो फिर वो डिस्ट्रप्शन नहीं कहलाया जाएगा, सिस्टम टेक केयर कर लेगा अपने आप। तो ह्यूमन इंटरवेंशन BCP में या डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली अगर आप एक तरह से डिफाइन करना चाहेंगे तो जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बाहर है वो ह्यूमन पर डिपेंडेंट हो जाता है। और उस क्या होता है कि एक तो सर्टेनिटी होती है, सर्टेन इवेंट होता है, तो वो DRP का पार्ट नहीं होता है। अनसर्टेन इवेंट जो कि ह्यूमन बीइंग ही उसे रिजॉल्व कर सकते हैं ताकि बिजनेस की कंटिन्यूटी चले, डिजास्टर रिकवर हो जाए, वो DRP या BCP के पार्ट बन जाते हैं। तो जब कोई BCP या DRP इवेंट होगा तो कई बार क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आग लगी तो पर्सनल को इम्पैक्ट कर देगा, तो प्रॉपर कंसिडरेशन हमें लेना पड़ेगा लोगों की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, और इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए हमें इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स बनानी पड़ेंगे, इसके लिए हमें ये बनाने पड़ेंगे कि भाई कैसे फैसिलिटी में दोबारा एक्सेस किया जाए और किस तरीके से ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट की जाएं लोकल ऑर्गेनाइजेशन से या गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, ये कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास पहले से ही एक मीडिया सेल होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जनपैक्ट है, जैसे आपके HCL है, ये कंपनी में क्या होता है कि एम्प्लॉई की ट्रेनिंग होती है और एम्प्लॉई को बता दिया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मीडिया को बात नहीं करेंगे, हमारा मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है वही मीडिया से बात करेगा, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव के अलावा कोई भी मीडिया से बात करने के लिए अलाउड नहीं होता है। तो वो उनके मीडिया इंक्वायरी सेल्स होते हैं और वो मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं ताकि इन मीडिया इंक्वायरी सेल्स को रिस्पॉन्ड किया जा सके। तो बेसिकली जो प्रोग्राम बनेगा या जो प्रोग्राम बनाया जाएगा उसे ऑक्यूपेंट इमरजेंसी प्लान कहा जाता है या क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान बनाया जाता है, मतलब OEP होता है या क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान होता है। तो उसमें इन सारे फैक्टर्स की प्लानिंग होती है और सारे प्लान्स कोऑर्डिनेट कर दिए जाते हैं ताकि बिजनेस की कंटिन्यूटी रहे, या हम ये कह सकते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के साथ सारे प्लान्स को कोऑर्डिनेट कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली दो कैटेगरी में हमारे ह्यूमन रिसोर्स इशू को हमारी स्टडी ने डिवाइड किया है, पहला तो पर्सनल सेफ्टी और इवैक्यूएशन और दूसरा है वेलफेयर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की सेफ्टी जो कि पैरामाउंट चीज़ है ऑर्गेनाइजेशन में, और उसका इवैक्यूएशन, दूसरा पर्सनल वेलफेयर। जब डिज़ास्टर स्ट्रक करेगा तो आदमी जो है मोरल डाउन हो जाता है,
तो किस तरीके से साइकोलॉजिकल टोल को रिड्यूस किया जाएगा उसके बारे में हमारी स्टडी बताती है। तो कहने का मतलब ये, हम ये कह सकते हैं कि कंटिजेंसी प्लानिंग है, कंटिजेंसी प्लान हमने किया, मालूम पड़ा एक डिज़ास्टर स्ट्रक कर गया, तो डिज़ास्टर स्ट्रक कर गया तो DRP के जो प्लान है उसको कौन एग्जीक्यूट करेगा, ह्यूमन बींग एग्जीक्यूट करेगा। तो जो इम्प्लॉयज़ एग्जीक्यूट करेंगे जो कि ह्यूमन बींग होंगे, क्योंकि डिज़ास्टर का मतलब ही ये है कि ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन हो गए जो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व नहीं हो सकती, उसे ह्यूमन बींग ही रिजॉल्व कर सकता है। तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉई होगा, एम्प्लॉई में दो ग्रुप्स होंगे, एक क्राइसिस सिचुएशन को रिजॉल्व करा होगा और दूसरे एम्प्लॉयज़ को इवैक्यूएट कर दिया जाएगा, यानी एम्प्लॉयज़ के दो ग्रुप बनाए दिए जाएंगे। एक एम्प्लॉई की सेफ्टी सिक्योरिटी और वेलबींग के बारे में देखा जाएगा और दूसरा उस डिज़ास्टर सिचुएशन को फाइट करने की कोशिश करेगा। जैसे आग लग गई तो जो एडमिन के कोई पर्टिकुलर बंदे हैं या टीम्स बनी हुई हैं उसमें से बंदे जाएंगे और ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर निकालेंगे और आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एक टीम होगी जो कोशिश करेगी सारे एम्प्लॉयज़ कंपनी के प्रमाइसिस से बाहर निकल जाएं। तो जो एक तरफ से बाहर निकल रहे होंगे और एक तरफ से आग बुझाने की कोशिश हो रही होगी, तो यानी कि क्राइसिस टीम जो होगी वो दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक वो एम्प्लॉई होंगे जो क्राइसिस को मैनेज कर रहे होंगे और एक वो एम्प्लॉई होंगे जिनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और वेलबींग के बारे में हमें प्लान करना पड़ेगा कोई भी डिस्ट्रप्शन इवेंट में। तो हम इन डिस्ट्रप्शन इवेंट की हमें प्लान बनाना पड़ेगा, इसके लिए इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे, इसके बाद हमें वो प्रोसीजर्स बनाने, वो प्लान बनाने पड़ेंगे कि किस तरीके से फैसिलिटी में फिर से एंटर किया जाए। उसके अलावा ऐसा है कि मीडिया सेल होगा, अगर कहीं पर आग लग गई या कहीं पर कुछ हो गया, जैसे किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉई के साथ या पर्टिकुलरली फीमेल के साथ कोई नेगेटिव चीज़ हो जाती है तो वहाँ पर मीडिया सेल इंक्वायरी होती है, मीडिया सेल होता है, वो मीडिया सेल ही बात करता है, वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी का, वो उसको कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में पता है, उसको पता है कि सेंसिटिवली किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है किस तरीके से। तो अगर आग लगी, अगर मान लिया सपोज कोई डिज़ास्टर आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया, तो उसको उससे हैंडल करके, या बिल्डिंग अगर मान लिया सपोज कई बार क्या होता है बिल्डिंग जैसे बांग्लादेश में अभी हुआ था कि मल्टीनेशनल कंपनी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में थी और वो बिल्डिंग ही गिर गई, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को इवैक्यूएट करना और उसके बाद मीडिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना, तो वहाँ पर मीडिया सेल होता है। तो ये सारी प्लानिंग जो होती है वो ऑक्यूपेंट इमरजेंसी प्लान OEP के स्कोप में आती है, क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान के स्कोप में आती है। अब हम चलते हैं पर्सनल सेफ्टी एंड इवैक्यूएशन। डिस्ट्रप्शन के टाइम पर पर्सनल की सेफ्टी और इवैक्यूएशन जनरली जो होगी वो OEP में होगी, ऑक्यूपेंट इमरजेंसी प्लान में होगी। इमरजेंसी प्लान बताएगा किस तरीके से एम्प्लॉई को इवैक्यूएट किया जाएगा। तो लोगों को पहले आपका ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसमें फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है, एग्जिट प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाता है, फायर ड्रिल एक्सरसाइज होती है। तो OEP और दूसरे कंटिंजेंसी प्लान होते हैं जो कि ऑफिस स्पेस को सिक्योर करने के लिए, पर्सनल वर्क स्टेशन को सिक्योर कैसे किया जाएगा, लैपटॉप को सिक्योर कैसे किया जाएगा, क्योंकि ऐसा है कि कोई इन्फॉर्मेशन ले गया, थेफ्ट होगी, वेंडलिज्म हो गया या कुछ हो गया, मतलब अगर मान लिया सपोज आपका डेटा पड़ा है, डेटा चोरी हो गया या आपका कंप्यूटर कोई लैपटॉप उठा के चला गया, तो किस तरीके से उसको प्रिवेंट किया जाएगा। तो उसमें इंसिडेंट के टाइम पर कभी कभी क्या होता है कि कोई अपना बैग छोड़ के चले जाता है, लेडीज़ अपने पर्स छोड़ के चले जाती हैं, लोग अपने मोबाइल छोड़ के चले जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन बैजेस छोड़ के चले जाते हैं, कार कीज़ छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा। मतलब उस ऑक्यूमेंट इमरजेंसी प्लान में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि किस तरह से एग्जिट होगा, किस तरीके से आदमी को बाहर जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा, कहाँ कहाँ एग्जिट होगा, किस तरीके से हेल्थ किट कहाँ पर होगा, मेडिकल किट कहाँ पर होगा, अगर कहीं पर किसी को कोई चोट हो गया तो मेडिकल किट कहाँ पर होगा, हॉस्पिटल कहाँ पर होगा इमरजेंसी के लिए, क्या नंबर्स हैं इमरजेंसी के लिए, उसके अलावा अगर कोई सामान अंदर रह गया तो वो किस तरीके से उसको देखा जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, और अगर मान लिया सपोज़
लैपटॉप्स इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं कंपनी के अंदर, सिक्योर चीज़ें रहती हैं। तो ये ऐसे टाइम पर जब वेंडलिज्म, ऐसे टाइम पर जब क्राइसिस सिचुएशन है, तो कोई भी कंपनी के अंदर, कोई भी एम्प्लॉई कंपनी के अंदर घुस, दूसरे डिपार्टमेंट में घुस सकता है और वहाँ का डेटा ले सकता है। तो इवैक्यूएशन में पर्टिकुलरली जो जनरली कंपनी में क्या है, या तो टीम लीडर बना दिया जाता है या फ्लोर वार्डन मेथोडोलॉजी यूज़ कर ली जाती है। फ्लोर वार्डन मेथोडोलॉजी क्या है, हर फ्लोर में दो आदमी बता दिए जाते हैं। इन दो आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को इवैक्यूएट करने की। और ये ऐसा नहीं है कि हर समय ये दो आदमी वही रहते हैं, ये आदमी रोटेट होते रहते हैं, या जॉब रोटेशन होता रहता है। कभी कोई दूसरे दो आदमी, कभी कोई दूसरे दो आदमी है, लेकिन दो आदमी रहते हैं हर प्लान, हर फ्लोर में, हर एग्जिट में दो आदमी रहेंगे। तो या तो फ्लोर वाइज या एग्जिट वाइज दो आदमी रहेंगे जो आदमी को निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा आदमी भी ना हो कि खुद उनको बाद में एग्जिट कराना पड़े। मिनिमम लोग रहने चाहिए, कोलेटरल कहते हैं इसे, कोलेटरल डैमेज मिनिमम होनी चाहिए। कोलेटरल मतलब अगर मान लिया सपोज कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ हमला हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि कुछ डैमेज होती है, आपको मानना पड़ता है कि कुछ डैमेज होगी। तो आपको ये मानना पड़ता है कि अगर भयंकर आग लग गई है तो अधिकतर एम्प्लॉय निकल जाएंगे, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकती है अगर मेजर डिज़ास्टर स्ट्रक कर जाए। तो सिचुएशन को ऐसे बनानी है कि वॉलेंटियर्स हों जो उस वॉलेंटरली उस डिज़ास्टर के रिपरकशंस को लेने के लिए तैयार हों और बाकी एम्प्लॉयज़ को सेफ कर सके, मैक्सिमम सेफ्टी दे सके, और फाइनली ये कोशिश हो कि वो भी एम्प्लॉय सेफ्टी में आ सके। तो ये फ्लोर वार्डन मेथोडोलॉजी होती है, इसमें मिनिमम बंदे रखे जाते हैं, से दो बंदे रख लिए आपने एक फ्लोर में और फिर बंदे। तो इस मेथोडोलॉजी में क्या है कि आप डेजिग्नेशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं इन लोगों का, और ऐसा है कि जैसे ही डिजास्टर स्ट्रक करता है ये इवैक्यूएशन ओवरसी करते हैं। तो ऑक्यूमेंट इमरजेंसी प्लान में एक तो इवैक्यूएशन करना है, दूसरी बात उसमें प्रोसीजर्स होनी चाहिए, मल्टीपल कॉन्टैक्ट मेथड्स होनी चाहिए। कि अगर मान लिया सपोज एम्प्लॉई कंपनी के बाहर निकल गया है या ये हुआ, तो फिर उसके बाद किस तरीके से लोगों को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि लोगों को कलेक्ट करके गिनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कितने बंदे अंदर रह गए, कितने अंदर बाहर, उनका काउंट रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मान लिया कोई बंदे बिल्डिंग के अंदर रह गए, तो आप पुलिस, अगर मान लिया आग लग गई और बंदे अंदर रह गए, ऑन साइट ऑफ साइट आपने काउंट कर लिया और पता चल गया इतने बंदर अंदर रह गए, बंदे अंदर रह गए, तो आप फायर पुलिस रेस्क्यू टीम को बता सकते हो। फायर वाला आ जाता है, पुलिस आ जाती है, रेस्क्यू टीम्स होती हैं, उनको बता सकते हो कि भाई ये बंदे अंदर रह गए। तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि भाई अगर मान लिया सपोज ऐसी सिचुएशन हो गई तो लोग कहाँ पर गैदर होंगे, मतलब आग लग गई या भूकंप आ रहा है तो बिल्डिंग के कहाँ पर, कौन सी सेफ जगह जहाँ पर सारे लोग गैदर होंगे, ताकि ये देख लिया जाए सारे के सारे बंदे आए हैं कि नहीं आए हैं, उनको अकाउंट फॉर कर दिया जाए। तो उनके पास प्रोसीजर्स होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हर टीम वाइज आप बंदे डिवाइड कर सकते हैं। फाइनेंस में एक स्पॉक बना दिया, उसका नंबर दे दिया कि आप सब इसको कांटेक्ट करेंगे। एक सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग मेथोडोलॉजी होगी, यानी कि हर टीम के बंदे काउंट हो गए, फिर उसके बाद होते 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 वो एक पर्टिकुलर बंदे के पास सारा काउंट आ जाएगा। तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक स्पॉक है, उसने देखा मेरे बंदे सारे आ गए, उसने कम्युनिकेट कर दिया, दूसरे डिपार्टमेंट ने कम्युनिकेट कर दिया, तीसरे डिपार्टमेंट ने कम्युनिकेट कर दिया, तो चार पांच डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट है सबने कम्युनिकेट कर दिया उस पर्टिकुलर बंदे को। उसके पास उसने देखा टोटल इतने बंदे होने चाहिए, ये आए कि नहीं आए, आगे वेल एंड गुड। इसके बाद पर्सनल वेलफेयर का ख्याल रखना पड़ेगा। हमारा स्टडी जो अगला टॉपिक बोलती है पर्सनल वेलफेयर के बारे में कहती है, वो ये कहती है कि सीरियस सिचुएशन में आपको पर्सनल और फैमिली मैटर्स भी कभी कई कई बार देखने पड़ते हैं। मतलब बिजनेस रिजम्पशन तो आप कर ही रहे हो, साथ में बंदों के साइकोलॉजिकल टोल को भी देख रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कई बार क्या हुआ कि आपको ये देखना पड़ेगा
कि साइकोलॉजिकल टूल बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया, और पर्टिकुलरली अगर कोई बंदा मर गया, एक्सटेंसिव फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो गया। कई बार एक्सटेंसिव फिजिकल डिस्ट्रक्शन होता है तो कंपनी छोटी होती है तो लोग सोचते हैं कि कंपनी अब सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उनको इश्योर करना होता है, उन्हें बताना पड़ता है कि सैलरी मिलेगी, उनको बताना पड़ता है कि हेल्थ और सेफ्टी के बारे में, दो चीज़ों के बारे में वो बड़े वरीड हो जाते हैं, नौकरी चलेगी कि नहीं चलेगी, कितने समय तक नौकरी रहेगी, मेजर डिस्ट्रप्शन आ गया, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। साइकोलॉजिकल टूल अलग होता है, लोग कोई अगर मर गया तो फिर वो उनका काम में 2-3 दिन काम कम करते हैं, कुछ दिनों बाद लाइफ मूव्स ऑन, लेकिन 2-4 दिन जो है बातें होंगी अगर कोई मर गया। और अगर मेजर डिस्ट्रक्शन हो गया फैसिलिटी का और लग रहा है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, तो काफ़ी दिन तक बातें चलने लगती हैं। तो पर्सनल वेलफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करो। आप उन्हें बता दो कि सैलरी मिलेगी, आपको उन्हें सारी चीज़ें बता दो, उनके मोराल को हाई रखो। तो ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज थे। मोटे तौर पर ये है कि पर्सनल सेफ्टी और इवैक्यूएशन, अगर हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से देखें तो ये है कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो ये है ओईपी, यानी ऑक्यूपेंट इमरजेंसी प्लान या क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान होना चाहिए। तो ऑक्यूपेंट इमरजेंसी प्लान क्या करेगा, सारी सिचुएशन वो प्लान रखेगा कि किस तरह से आदमी को इवैक्यूएट किया जाए और किस तरीके से उन्हें सिक्योर सेफ रखा जाएगा। एक फॉर एग्जांपल अगर आग लग गई तो एक फ्लोर वार्डन मेथडोलॉजी भी, हर फ्लोर में 2 बंदे वार्डन के रूप में काम कर रहे होंगे और वो ऑन रोटेशन काम कर रहे होंगे, जैसे ही कोई अर्थक्वेक वगैरह आता है वो इवैक्यूएट कराने में मदद करेंगे, और उसके बाद एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर असेंबल होंगे और वहाँ पर काउंट किया जाएगा और वो सेंट्रलाइज काउंट होगा, मतलब एक बंदा काउंट के पास काउंट आएगा और टोटल काउंट करके वो डिटरमाइन करेगा पूरे बंदे आए कि नहीं आए, नहीं आए तो वो रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को बताएगा, फायर अथॉरिटी हो, पुलिस हो, उसको बताएगा कि भाई इतने बंदे अंदर रह गए। और अगर कोई किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई है तो साइकोलॉजिकल टूल काफ़ी हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आप कम्युनिकेशन वहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मान लिया फिजिकल डिस्ट्रक्शन हो गया तो ये बताना कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को ये कम्युनिकेट करना कि आपकी सैलरी मिलेगी टाइम पर, ये बहुत ज़रूरी है, आपकी सैलरी मिलेगी, कंपनी चलेगी और हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ आपका क्या है, हो रही हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक्स।